दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका है। बता दें फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है। आशा पारेख अभिनेत्री के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही हैं। इससे पहले उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें इसे सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस वर्ष यानी कि 68वें फिल्म अवार्ड्स नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कुंदन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई सम्मान है तो वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। आशा पारेख को इस बार ये पुरस्कार दिया जाना है। बिल्कुल, अगर आप इस लिहाज से देखें तो दादा साहब फाल्के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के श्रेणी में कैटेगरी में गिना जाता है और वो अगर आशा पारेख की बात करें तो कम से कम 7 दशक का लंबा कैरियर उनका रहा है। 1952 से वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम रखी थी और सैकड़ों फिल्में उनमें कई आशा के नाम से दिल दे के देखो और न जाने कितने दर्जनों हिट फिल्में दी रही हैं। उन्हें अपने काम में विशेष वजह से पद्मश्री भी 1992 में उनको अवार्ड किया गया था। फिल्म फेवर अवार्ड से लेकर और फिल्म फेवर अचीवमेंट अवार्ड उनको मिल चुका है और ये पूरा एक तरह से 60वां जो अवार्ड होगा और एक पूरी लंबी चौड़ी ज्यूरी के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो कुल मिला के जो उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, फिल्म को लेके, एंटरटेनमेंट को लेके, उस पे उनको ये आज पुरस्कार दिया गया, घोषणा की गई है। और एक तरह से उस लिहाज से देखें तो फिल्म जो दादा साहब फाल्के है फिल्म के लिहाज से अब तक का सबसे सम्मानित और सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड की कैटेगरी में माना जाता है। जी ठीक है कुंदन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।